हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल भारतीय बाजार। वोडाफोन लिमिटेड आईपीओ एफपीओ की आज लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन 6.99 गुना ही हुआ है, कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि बिजनेस में अपने कंपटीटर से काफी पीछे है, फाइनेंशियली काफी वीक है, जिसकी वजह से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 6.99 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 6.01 टाइम्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 4.54 टाइम्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 19.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन 6.99 टाइम्स हुआ है, कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि इसके बिजनेस मॉडल काफी इसकी जो बिजनेस है वो ठीक, बिजनेस मॉडल तो अच्छा है लेकिन अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से काफी पीछे है। इसके जीएमपी में तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। आज इसकी जीएमपी 90 पैसा है एंड अनलिस्टेड मार्केट में 8.18% की बेनिफिट दे रही है। अभी जो ये एफपीओ है 8.18% की बेनिफिट दे रही है, कट ऑफ प्राइस 11 रुपए है। तो कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी खराब है एंड ये अपने फील्ड में काफी पीछे चल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज से सॉरी कल से एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है जो कि इससे कहीं बेहतर आईपीओ साबित होने वाला है। हालांकि दोनों को कोई कंपटीशन नहीं है लेकिन जे एन के इंडिया लिमिटेड आईपीओ, इसकी ओपनिंग कल से होने जा रही है। इसमें कितना लिस्टिंग मिलेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में कितना डिमांड है, इसमें कितना बेनिफिट मिल सकते हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इस आईपीओ की ओपनिंग कल से होने जा रही है, ट्यूजडे से 23 अप्रैल से क्लोजिंग 25 अप्रैल, थर्सडे को अलॉटमेंट 26 अप्रैल, फ्राइडे को रिफंड 29 अप्रैल, मंडे को क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 29 अप्रैल, मंडे को लिस्टिंग 30 अप्रैल, ट्यूजडे को नेक्स्ट ट्यूजडे को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर, प्राइस 395 से 415 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 3600 रुपए, यानी कि एक लॉट आप परचेज करेंगे तो आपको 3600 मिलेंगे। टोटल इशू साइज 649.47 करोड़ की है, क्रेज 300 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 349.47 करोड़ की, यानी कि आधा से ज्यादा यहाँ पर जो इशू साइज है उसमें कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच करके प्रॉफिट कमाना चाहती है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहती है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एंड बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का। इस आईपीओ में रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,940 रुपए है, रिटेल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,94,220 रुपए है, एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,09,160 रुपए है, एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,86,040 रुपए है, बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,980 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छा दिख रहा है। इसकी प्रॉफिट 2021 में 16.48 करोड़ रुपए था जो कि 2023 के 31 दिसंबर तक धीरे धीरे बढ़कर 46.21 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू 2021 में 138.45 करोड़ थी जो कि 2023 तक बढ़कर 256.76 करोड़ हो गई। 2023 में 31 मार्च तक इसमें अच्छा था, 411.55 करोड़ थी जो कि यहाँ पर 31 दिसंबर तक इसमें थोड़ा सा कमी नजर आई है। एसेट 2021 में 125.12 करोड़ थी जो की 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर 453.39 करोड़ हो गए, काफी शानदार ग्रोथ है। प्रॉफिट रेवेन्यू एसेट काफी अच्छा से परफॉर्म किया है। नेटवर्थ 2021 में 76.82 करोड़ थी जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक 168.56 करोड़ हो गए हैं। रिजर्व फंड सरप्लस 2021 में 36.22 करोड़ थी जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर 158.88 करोड़ हो गए। टोटल ग्रोइंग 2021 में 8.95 करोड़ थी जो कि 2023 में बढ़कर 56.73 करोड़ हो गई है। तो काफी
काफी तेजी से फाइनेंशियली ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 31.79 करोड़ है, 79% है, काफी अच्छा है। आरओसी 34.73% है, इसके भी काफी अच्छा है। इसमें डेप्ट है लेकिन बहुत कम है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 31.79% है, पैट मार्जिन 18.24%, फाइनेंशियली ठीक दिख रही है। पीई 37.46 है फाइनेंशियली। ये कंपनी है जो काफी अच्छा दिख रहा है। इसके बिजनेस की हम लोग बात करें तो 2010 की इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है। ये मुख्य रूप से हीटिंग इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में लगा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडस्ट्री व्यापार करती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगा हुआ है, हीटिंग इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसका बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट को भी अपनी सर्विस प्रदान करती है। इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में अपने कई सारे प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। एंड ग्लोबली नाइजेरिया एंड मैक्सिको में भी अपनी सर्विस प्रदान कर चुकी है। इंडिया में इसके 17 क्लाइंट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इत्यादि शामिल हैं। तो इसकी बिजनेस मॉडल के साथ साथ क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इम्पोर्टेंट इसके क्लाइंट है। एंड इस फील्ड में कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके का बिजनेस करता है, लेकिन मुख्य इसका जो कंपटीटर है थर्मैक्स लिमिटेड, इसका मुख्य कंपटीटर है। इंडिया में 12 ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जिसमें से ये इसका 7 रेगुलर रेगुलर क्लाइंट है जो इसको बार बार ऑर्डर देते रहते हैं। इंडिया में 24 ऑयल रिफाइनरी कंपनियों में से 11 कंपनियों को हीटिंग इक्विपमेंट सर्विस प्रदान कर चुकी है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिख रहा है एंड इसकी क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। घरेलू बाजार से लेकर के इंटरनेशनल बाजार तक इसकी सर्विस का डिमांड है, ये अपनी सर्विस प्रदान कर चुका है। इसके पास 845 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक है। अभी विदेशों में भी कई जगह इसके काम चल रहे हैं, इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंडिया में भी कई जगहों पे इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसकी बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, यूनिक बिजनेस मॉडल दिख रही है, यूनिक इसकी सर्विस है एंड इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। लेकिन क्या वजह है कि इसकी जीएमपी की अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुआ है? अभी तक इसकी जो जीएमपी है वो 0 है, जीएमपी की ओपनिंग तक भी नहीं हुआ है। ए आईपीओ कल से ओपन होने वाली है लेकिन जीएमपी अभी ओपन ही नहीं हुआ। फाइनेंशियली ठीक है, बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है, क्लाइंट बेस काफी अच्छा दिख रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं और कई ऐसे कंपनियां हैं जो इसका रेगुलर क्लाइंट है, लगातार इसको अपना ऑर्डर देते रहते हैं इसके सर्विस के लिए। तो इसके बिजनेस मॉडल एंड क्लाइंट बेस काफी अच्छा, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिख रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसका कॉम्पिटिशन है, जिसमें थर्मेस लिमिटेड इम्पोर्टेंट कंपटीटर है। तो इसकी कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, अभी इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है? फाइनेंशियली तो ठीक दिख रही है, बिजनेस भी ठीक दिख रहा है, इसकी जो क्लाइंट बेस है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। दो हमें अच्छी पॉइंट्स मिल रहे हैं लेकिन जीएमपी की अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। जीएमपी ओपन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग हो, बाद में अच्छा रिटर्न्स दे, लेकिन बिजनेस अच्छा है। कंपनियां तभी अच्छा बेनिफिट देती है जब उसका बिजनेस अच्छा होता है एंड फाइनेंशियली ठीक ठाक होता है, स्ट्रांग होता है, तो अच्छा बेनिफिट देता है। भले ही जीएमपी की ओपनिंग ना हुआ हो, भले ही लिस्टिंग गेन पर अच्छा बेनिफिट ना दिया हो, बाद में अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसलिए इसमें निवेश करने या ना करने के डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि दो हमें अच्छे पॉइंट्स प्लस पॉइंट मिल चुके हैं। एक निगेटिव पॉइंट है कि इसकी जीएमपी की ओपनिंग नहीं हुई है। तो जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पे निवेश के व्यू से इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली एंड बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से मैं इसमें पर्सनली अप्लाई करने वाली हूँ। बाकी आप अप्लाई करने से पहले या निवेश करने से पहले खुद की एनालिसिस रिसर्च जरूर करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस जरूर लें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी आईपीओ रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।